फ्रेंड्स, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि जो एमसी स्टैन है वो हमेशा ही उनका अलग ही फंडा चल रहा है प्रियंका चौधरी को लेकर। जब भी कोई भी बात आ जाती है, टास्क में कोई भी उन्हें निर्णय लेना होता है, तभी वो प्रियंका चौधरी का ही नाम लेते हैं, भले उनकी उनकी सपोर्ट में हो या फिर उनके खिलाफ हो। ऐसे में जब घर में वीकेंड के वार पर एक टास्क करवाया जाता है जिसमें घर वालों की बराई बतानी होती है, तभी एमसी स्टैन प्रियंका चौधरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, इसकी आवाज़ मुझे हमेशा सुननी पड़ती है और ये कभी भी किसी की सुनती नहीं है। जब भी इसके साथ कोई भी बात करे तो ये हमेशा अपने ही रीज़न देती है, अपने ही बातों के जवाब देती है। कभी भी ये दूसरे की बात सुनकर उसकी बात पर तो कभी भी रिएक्ट तो करना होता है, लेकिन ये तो सिर्फ अपने में ही मगर रहती है। और उसी के बाद वो कहते हैं कि इन्होंने तो अंकित भाई के साथ ये जो गार्डन एरिया में बेड है इसके ऊपर ही हमेशा लेटी रहती है और इसने तो अंकित भाई की भी गेम खराब कर दी है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन प्रियंका चौधरी के लिए जो वो अपने वर्ड बरतते होते हैं जैसे शेमड़ी, ऐसे ही कुछ और वर्ड भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एमसी स्टैन की ये हरकत कैसी लगी तो प्लीज़ हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।